जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ड्रेस बनाना बहुत आसान है, देखने में बहुत खूबसूरत है, तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियो आप देख सकें। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर की ड्रेस हम बनाने जा रहे हैं। 4 नंबर के लिए देखिए 8x8 इंची का हमने ये डायमीटर कट किया, गोल कट कर लिया है, उसके बाद पेस्टिंग बुकरम पर इसको चिपका लिया, अस्तर भी कट कर लिया, चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसको एक साथ गोल कर दिया है। अब इसको देखिए यहाँ से एक साइड से हम कट कर देते हैं और सिलाई लगा करके गोलाई के बाद भी सिलाई लगा लेंगे। पहले नहीं कटिंग करते हैं हम, क्योंकि कई बार होता है कि सिलाई करते समय कपड़ा इधर उधर खिसक जाता है तो आपकी किसी कपड़े में लग जाएगी सिलाई, किसी में रह जाएगी, इसलिए पहले हम सिलाई लगा लेते हैं उसके बाद ये कमर की गोलाई की कटिंग करते हैं। अब ये गोटे वाली लेस ली है, इससे हम इसको लॉक कर देंगे किनारों को। आप इसकी जगह पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर इसे पलट करके भी लगा सकते हैं। ये पाइपिंग हमने लगा ली गोटे की। अब हमने ये लेस ली है, ये देखिए ये गोटा पत्ती की लेस है, इस लेस को हम इसके ऊपर लगा देंगे। लेस लगाने के बाद इसको यहाँ से नाप लेंगे, ये 3 इंची आ रहा है तो हमने देखिए लगभग 3.25 इंची चौड़ी ये नेट की पट्टी कट की है हमने, ये हमने 3.25 इंची और साथ ही हमने 100 इंची से लंबा लिया है तो इसकी हम फ्रिल बनाएंगे घेर के लिए, और घेर हम जितनी हमारी इसकी गोलाई है उतनी गोलाई में बनाएंगे। लगभग 6 इंची हमारी इसकी गोलाई आ रही है तो 6 इंच के दायरे में हम ये सारी प्लेटें डालेंगे। ये देखिए घेर हमारा बन गया है और इसको हम यहाँ से इसकी गोलाई के साथ अटैच कर लेंगे, यहाँ से ये कमर के साथ, कमर की गोलाई के साथ अटैच करते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। कमर का घेर लग गया। अब आगे अब देखिए इसमें यहाँ पर तो हम गोटा लगा लेंगे, जो हमने गोटा इसमें नीचे लॉक करने में लगाया था उसकी गोटे को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। साथ ही मैंने ये 15 इंची लंबी और 2.5 इंची चौड़ी ये फैब्रिक की पट्टी ली है, ये चुन पटोला प्रिंट का बहुत प्यारा सा एक फैब्रिक है सिल्क का, उसको लिया है। उसको मैं 3 साइड से पहले मोड़ दूंगी और मोड़ने के बाद ये वाली लेस लगा दूंगी। अब ये जो हमने 15 इंची फैब्रिक जो लिया हुआ है ना, इसमें हम प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से और लगभग 2 इंच के अंदर ये हम एक छोटा सा घेर जैसा तैयार कर लेंगे। अब ये छोटे से घेर को हम देखिए इस साइड इसे कमर की गोलाई के साथ ही अटैच कर देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हमने 5 इंची चौड़ा
और 8 इंची लंबा ये फैब्रिक लिया है एक और साथ में इसका अस्तर भी कट किया है। इसको उल्टा रखेंगे अस्तर के ऊपर और यहाँ से 3 साइड से सिल देंगे। इसको हमने पलट दिया सिलाई लगाने के बाद, ऊपर से ये हम लेस लगा देंगे जैसे हमने पहले वाले घेर में लगाई थी, उसी तरीके से ये 3 साइड हम लेस लगा देते हैं। अब इसमें भी हम प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से, 3 प्लेट आ रही है हमारी और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसको हम पटका ये हमने बनाया है, इसको यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं इसके साथ में, कमर की गोलाई के साथ में। उसके बाद में हम नीफा बनाएंगे। अब नीफे के लिए ये पट्टी कट कर ली हमने और ये भी, ये देखिए इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद डबल करेंगे और उल्टी साइड से इसे लगा देते हैं, पलट करके डोरी डाल करके नीफा बना देते हैं। देखिए घेर बन गया हमारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें हम कोई डेकोरेशन नहीं करेंगे, कोई बूटी नहीं लगाएंगे इसमें, कोई इसमें कुछ और नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने आप में ये सफिशियंट है। चलिए अब इसकी चोली भी बना लेते हैं। तो देखिए चोली के लिए मैंने 2.5 इंची चौड़ा और 5 इंची लंबा फैब्रिक लिया है। ये हमारी चोली वैसे 4 नंबर को है लेकिन 5 नंबर को भी आ जाएगी। तो इसके लिए अभी हम देखिए एक बार लंबाई में फोल्ड करेंगे, फिर चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा मुड़ा हुआ कोना है ना, यहाँ से इसमें हम 1/4 इंची ये कट कर देंगे और बैक साइड से इसको हम कट कर देंगे। अब इसको उल्टा रखेंगे, उल्टा रखने के बाद में हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलाई कर देंगे इसमें, फिर अस्तर की कटिंग करके ये अंदर से गले की कटिंग करके निकाल देंगे। कॉर्नर में कट लगाएंगे ताकि अच्छे से पलट सके। दोनों साइड हम ये गोटा लगा देंगे। गोटा लगाने के बाद ये हमने छोटी छोटी 2 फ्रिल तैयार कर ली हैं। इसकी हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स देखिए कैसे लगाएंगे, इसको यहाँ से दबाएंगे और दबाने के बाद में यहाँ तक दबा करके ये हमारी स्लीव्स हो जाएंगी। ये देखिए हमारा बहुत प्यारा सा घेर और साथ में चोली ये बन करके हमारे तैयार हो गए हैं। चलिए अब इसके लिए पगड़ी और बना लेते हैं। ये देखिए पगड़ी हमारी बन गई है। पगड़ी में हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, बेस बनाया, बेस बना करके एक कलगी हमने इसकी पटोला प्रिंट की लगा दी, एक इस नेट की लगा दी। यहाँ हमने ये देखिए बूटियां लगा दी हैं और एक बूटी हमने यहाँ कौड़ी वाली लगा दी। इसी में हमारी पगड़ी इतनी हैवी लग रही है और बहुत जल्दी बन गई। तो देखिए दोस्तों पोशाक कैसी लग रही है आपको, ठाकुर जी की पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर से पसंद नहीं आ रही है, कोई कमी लग रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक का बटन दबाइए क्योंकि उससे भी हमें पता लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। और हाँ दोस्तों एक बात और कहनी थी आपको, ये 4 नंबर की ठाकुर जी की पोशाक है, अगर से आप ये पोशाक खरीदना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, जो सबसे पहले ओके कर देगा उसको हम पोशाक के कुरियर द्वारा भेज देंगे। पोशाक की कॉस्ट के अलावा शिपिंग चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। और हाँ इस पोशाक का आप मटेरियल भी खरीदना चाहते हैं घर बैठे तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर से वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगले वीडियो में जल्दी से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।